now he's saying, "Have you come here today?" To buy. Have you come here to die? मेरे को लगा कि मेरे को कह रहा है तू मरने के लिए आया मैं नो आई कम हियर टू प्ले क्रिकेट आई विल प्ले क्रिकेट तो दूसरा ऐसे ऐसे किस्से एक नहीं हजार हुए तो इसलिए थोड़ा सा भाषा में हम बहक जाते हैं जी जी और उसी में मजा आता पाजी मिस कम्युनिकेशन जितनी होती है हम तो इसी चीज को एंजॉय करते रहते बातों बातों में हम इनको जाने के लिए बोलना भूल गए जाओ एक्सक्यूज मी बैठूंगी और मैं यही बातें करूंगी मेरी पाजी हर बात मना करती है शादी के लिए मैंने मना किया था ये करके ही हटी एक्सक्यूज मी शुक्र मना कि मैंने हाँ की थी वरना तुम्हारे यहाँ तो कोई भी अपनी लड़की नहीं दे रही थी पाजी इसमें हमारी बेइज्जती कुछ नहीं है इनके परिवार की बदनामी है फिर जिसको कोई भी लड़की नहीं दे रहा था इनके पिताजी ने वहां पे अपनी बेटी चिपका दी अब आप देखो शर्मा जी हम तो जैसे हैं वैसे हैं सोचो ये कितने गए गुजरे होंगे शर्मा जी यस नथिंग अच्छा पाजी एक ना हमारे चड्डा साहब हैं क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं वो आप आए नहीं थे तो हम बड़े लंबी लंबी हांकते रहते हैं कि मैं कपिल देव साहब का बड़ा क्लोज फ्रेंड रहा हूं मैं एक मिनट बुलाता हूं चड्डा साहब चड्डा साहब वाह शर्मा जी ओ गले से बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें निकल रही हैं खाना मिल गया कहीं से नहीं 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 ये देखिए कौन आया यहाँ पे देखिए कौन आया ध्यान से देखिए कौन कपिल देव साहब आए नीचे हाय 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 कपिल देव साहब आए अभी आया मैं अभी आया चड्डा साहब कहते मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूँ ये किनको ले आए आप साथ में ये मेरी बुआ की बेटियां हैं आपको नहीं पता ये चीयर लीडर है खैर और सुनाइए कपिल जी क्या हाल है आपका बहुत बढ़िया मिले हुए हम ये तो बोल रहे मैं बड़ी देर से कपिल साहब को जानता फॉर्मेलिटी से की बात कर रहे हैं अभी आप इतने पुराने जानकार हैं तो हाँ तो मैं अकेला जानता हूँ सारा हिंदुस्तान इनको जानता है वो तो हमें पता आप तो कहते पर्सनली जानते हैं हाँ जी मैं इनको पर्सनली नहीं मैं ऐसे जानता हूँ कि ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे खैर कपिल जी बैठिए आप प्लीज आप नहीं बैठेंगे नहीं नहीं मैं इनको खड़ा ही अच्छा लगता हूँ कपिल जी आपको पता है जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन मारे थे ना तो मैंने खड़े होकर ताली बजाई थी और तो और स्टेडियम की छोड़िए मैंने टीवी में जब देखा ना तो मैंने हाइलाइट्स में भी तालियां बजाई थी खड़े हो के ए सिद्धू जी ए तो हाईलाइट तो अपने आया ही नहीं सीगा मैच ते ए कितने दी गल कर रहे हैं टीवी पे आप ताली कैसे बजा सकते हैं मैच टीवी पे आया नहीं था हाईलाइट हो ही नहीं थी मैं पकड़ा गया हूं चलो कोई बात नहीं टॉपिक चेंज कर लेते हैं हाँ सिद्धू साहब टॉपिक चेंज करते हैं कोर्ट पे एंड हो गया शीला और मुन्नी तुम जाकर मेरी धोती को नील लगा और सूखने के लिए डाल दो हम थोड़े बिजी हैं मुझको एक बात बताइए बैठ जाऊं मैं आप ही का है सब कुछ रहने तो चाहे अच्छा देखा इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं कहीं बैठ जाऊं खैर कपिल साहब मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूं ये देखो जिस बॉल से आपने वर्ल्ड कप जीता था ना मैंने अब तक वो बॉल संभाल कर रखी हुई है 5 मिनट में छठा झूठ हो गया ये चमक रही है और सिद्धू हम लाल बॉल से खेला करते थे ना उस टाइम वर्ल्ड कप ये सफेद झूठ अच्छा, पे झूठ झूठ पे झूठ लाल थी ना हाँ जी ये लाल थी फिर मैंने पजामे में घिसा घिसा कर वाइट कर दी है मैं तो कपिल जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपको पता ही नहीं है आप बड़े फैन है ना हाँ कपिल भाई इनको एक बॉल कराइए मैं चेक करता हूँ जरा सच्ची में क्रिकेट देखते हैं कि नहीं ये ओरिजिनल बॉल करवाएंगे मुझे हाँ नहीं नहीं मेरी सुनो बात फैन तो इस हिसाब से मैं माइक टायसन का भी हूं इसका मतलब जब वो आएगा तो मुक्के खिलाओगे आप मुझे देखा झूठे आदमी है नहीं 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 अभी खेलो बॉल खेल के जाने दूंगा मैं आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा फोन आ रहा कोई बात नहीं मैं ले आता हूँ रुकिए आप नहीं 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 वो चार्जिंग पे लगा मैं चार्जर भी ले आता हूँ रुकिए आप नहीं जाने दो यार बहाने मुक रहे हैं मेरे खत्म हो रहे हैं
ये नकली है, कोई भी झूठ बोलते रहते हैं कि मैं कपिल साहब को जानता हूँ, हर किसी के बारे में ऐसा ही बोलते हैं, पर आपके जो रियल फैंस है वो यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके कपिल सर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? रिष्ट पृष्ट मोतमा। मैं हर्षनी हूँ, मेरे साथ मेरी सिस्टर प्रीति और मम्मी आए हुए हैं, और आज क्रिकेट वर्ल्ड के दो दिग्गज और हैंडसम क्रिकेटर हमारे साथ में हैं, और अभी अभी हमें पता चला उनमें से एक की बीवी भी है यहाँ पे, सो थोड़ा कंट्रोल में। जी और अभी अभी हमें पता चला है कि कपिल पाजी देवानंद साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और एज देवानंद साहब एक रोमांटिक हीरो है, तो हम, मैं और मेरी सिस्टर चाहते हैं कि हम आप दोनों के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करना चाहते हैं। हेलो सर, और ये मौका हम लोग गवाना नहीं चाहते। ऐसा है, मुझे डांस डूंस नहीं आता, लेकिन आप आइए जो आपको पसंद है। ऐसे है, अब आप नीचे आओ। ना 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 पाजी, ना, 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 कोई नहीं। ना, ना। पाजी देखो, आपके टीम वाले आए हैं, ऐसे साथ छोड़ दोगे आप? ना डांस सुनता आता ना, मुझे आता है इंटरनेट। नाचने साथ देखो किसने बुलाया, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ओके पाजी, म्यूजिक प्ले किया जाए प्लीज। ये पहली बार डांस किया है साइड बाय साइड, ये तो आमने सामने होता है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी और कोई हमारे दोस्त जो कपिल सर से बात करना चाहते हैं? जी सर। ओह पाजी, ओए मुझे, सर आपने इतनी तीखी मुझे रखी, सिलाई कढ़ाई भी करते हैं इससे। पाजी कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ जी। अच्छा जी, सवाल क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि कपिल शर्मा जी जो हैं, क्या फास्ट बॉलर बन सकते हैं, या कपिल देव जी कॉमेडी कर सकते हैं इतनी बढ़िया जो हमारे कपिल शर्मा जी करते हैं? आपने सवाल बड़ा ही सूटेबल पूछा, इट्स बिलोंग टू आगरा। पाजी मैं अभी तक क्या कर रहा था? मैं अभी सर ऑलराउंडर हैं, आज उन्होंने यहाँ पे वो करके भी दिखा दिया। आज कपिल सर ही सबको हंसा रहे थे, तो वो तो बन गए, लेकिन मैं कभी चाह के भी जिंदगी में नहीं बन सकता, और ये एक ही है। धन्यवाद। शुक्रिया, आपने इतना सोचा, मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। कपिल सर, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी हमने आपके और मैम के बहुत सारे किस्से सुने, और ये भी सुना कि आप देव साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो हम सब चाहते हैं कि आप मैम के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गुनगुना दीजिए प्लीज। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता। नहीं आप सर कर सकते हैं। आप बोलो कि यहाँ पर आपको कबड्डी खेलनी है, खेल सकता हूँ, और मेरे को श्राप मिला हुआ है कि बेटा तू सिर्फ खेलना, कुछ और काम करने की कोशिश की तो पड़ेगा तेरे को। दो लाइन तो बोल ही सकते हैं सर आप। मैं गा नहीं सकता, ये बोल देता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो ये हक है तुझे, हमने तो आपसे मोहब्बत की है। अगर आप कहो कि गा के सुनाओ तो फिर बहुत मुश्किल है। सर सर चलिए, आप नहीं कपिल शर्मा सर ही गा देंगे, ये तो बहुत आप ही सुन लेंगे। हाँ। कई लोग होते हैं पीछे पड़ जाते हैं ना किसी एम के पीछे, आप धार लीजिए मन में कि आपको आईएएस बनना, बन जाएंगे आप। आज तो सॉन्ग सुनना ही है। मैम हाँ। बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। मैम सर की तरफ से आपके लिए दो लाइनें हैं। हमारे जहाँ जो भी दर्शक आते हैं हम उनको नाराज नहीं करते, तो आपकी
रिक्वेस्ट पे आज कपिल पाजी ने गाना भी सुना दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज पाजी हमारे सीट। पाजी नु इत्थे ना बुला लिए। सिद्धू पाजी, हां सिद्धू पाजी प्लीज आप आ जाइए। जस्ट जस्ट लाइक दैट वॉक इन, वॉक इन। आलो उनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना। क्रिकेट में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है जी, जी। लाइफ में भी, जिंदगी में भी, इसलिए पार्टनर यहाँ बैठा हो तो थोड़ा कंफर्ट मिलता है। बैठो पाजी। ये पाजी की जर्रा नवाजी है, पार्टनर बोल रहे हैं हम तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है, और धूल को हवा का सहारा मिल जाए ना आसमान में लग जाती है। ठोको जरा। बैठो पाजी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सिद्धू पाजी और कपिल देव साहब के लिए। एक मिनट, ये देखिए। हेलो सर, हाय सर। नजदीक से तू ज्यादा मोटी लगती है। नहीं। आज आप एकदम ऐसे लग रहे हैं, आप क्या बोलते हैं वो पिंकी डिपू, पिंकी डिपू।